ये इधर ही रहेगा, तुझे रहना है तू रहे, लेकिन बात कान फाड़ के सुन, इसके बाद मेरे मुंह ना लाग, समझी के ना? दीजिए मेरा बच्चा, दीजिए मेरा बच्चा। कोई वरन क्या मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो नमस्कार एवरीवन, पता है आज आपके बीच में जो बात मैं कहने आया हूँ ना, वो कड़वी बातों के अंदर आने वाली चीज़ है। और सीधी सी बात है, कमेंट बॉक्स के अंदर आज इस तनसुख पालीवाल को बहुत कुछ सुनने को मिलने भी वाला है, बट फिर भी कहना ज़रूरी है क्योंकि मन ये कह रहा है कि कह दो, जो होगा वो देखा जाएगा। हो सकता है कि आज के बाद जो है सब कुछ ख़त्म भी हो जाए हमारे पार्ट पे, हमारे करियर के पार्ट पे, बट फिर भी ज़रूरी है कहना। पता है लॉ स्टूडेंट जो होता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि उसके जितना बेबस स्टूडेंट कोई दूसरा नहीं है। और पता है इसके पीछे कारण क्या है? देखो तो जब आप वकालत में जाते हो तो फिर भी एक एडवोकेट का एक एसोसिएशन बना रहता है जो वकीलों का ध्यान रखता है ना, लेकिन जब आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, जब आप मोटी मोटी फीसें पे करते हो कोचिंग इंस्टीट्यूटों को, तब कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आराम से बढ़िया से एसी चैम्बर के अंदर बैठाएंगे, पढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे, ओके ठीक है। और जैसे ही मान लो कुछ टाइम आपका कोर्स वोर्स ख़त्म हो गया और फिर जाओ घर जाओ अपने, ये एक फिक्स्ड है और ये भारत का हर कोचिंग इंस्टीट्यूट करता है। लेकिन लॉ वालों के बारे में स्पेशली आज मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, जरा सुनना। अभी आरजीएस का रिजल्ट आया, आप अखबारों में देखना, जैसे भी आप लोगों ने ये वीडियो देखा ना छोटा वाला क्लिप, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो अब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट करेगा ये मेरा बच्चा, हमारे इंस्टीट्यूट से पास हुआ ये हमारे इंस्टीट्यूट से पास हुआ है, वो इस तरह से वो क्रेडिट लेने वाला जो दौर है ना अब आपको देखने को मिलेगा। कोई लाखों रुपए खर्च करके अखबारों में करवाएगा, कोई कहीं पे करवाएगा, कोई कहीं करेगा, चलेगा सीनियर, ठीक है। और ये वही लोग हैं, सुन लीजिए अच्छे से, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सुन रहे हो ना इस वीडियो को, अच्छे से सुनिएगा ताकि भविष्य के अंदर थोड़ी तो इंसानियत हम रख पाए, ठीक है। तुम्हें करना है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, करो। लेकिन सच्चे माँ बाप जो होते हैं ना वही तो करते हैं बच्चा बच्चा। आप लोगों ने बच्चों को माँ बाप की तरह प्यार दिया है, सीधी सी बात है, इसलिए तो आप उसको मेरा बच्चा बोल रहे हो। लेकिन आपका माँ बाप का एहसास, उसका प्यार कब चला, कहाँ चला गया था? जब यही बच्चे जयपुर के अंदर जब मेंस का एग्जाम दे रहे थे, दो दिन के अंदर चार एग्जाम थे, गर्मी का टाइम था, जिस कॉलेज सेंटर में इनका एग्जाम आ रखा था उस कॉलेज सेंटर के बाहर कहीं पर भी रुकने बैठने की व्यवस्था नहीं थी, अरेंजमेंट नहीं थी, और आप लॉ के लोग होकर, लॉ को पढ़ाने वाले लोग होकर भी कुछ नहीं किया ना, तो आपने वहां पर चलो फिनेंशियल मदद नहीं करनी थी, नहीं की, लेकिन आप लोगों ने वहां पर प्रशासन को भी एक लेटर भी लिखा कि भाई इन बच्चों के लिए ये अरेंजमेंट थोड़ा सा अच्छे से करवाइए। अरे आपको पता भी है जयपुर के सेंटर पे जब एग्जाम हो रहा था तो बाहर कई कैंडिडेट जो हैं, दो घंटे का ब्रेक था ना, अब बड़े बड़े शहरों में एग्जाम होते हैं, उस दो घंटे का जो बीच वाला ब्रेक होता है उसमें वो कैंडिडेट कहीं नहीं जा सकता, ना तो घर जा सकता ना कहीं जा सकता, बाहर बैठता है वहाँ पर धूप के अंदर, और थोड़ी बहुत जो साइड में रोड के साइड में जो नालों के पास में छोटे छोटे पेड़ उगा पौधे नहीं उगा रहे होते हैं उनकी हल्की सी छाया होती, वहाँ पर बैठ के अपने दो घंटे का टाइम निकालता है। या तुम लाखों करोड़ों छापते हो इन्हीं स्टूडेंट से, क्या उनके लिए उस टाइम के दौरान थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकते थे? और सुनिए, ऐसा नहीं है कि ये जो पीड़ा ये अभी की है, ये पीड़ा आरजीएस मेंस की है, जिस समय नाम तो क्या बताना, उनको कॉल किया मैंने, खुद पर्सनली हाथ जोड़ के उनको कॉल किया था, मैंने कहा सर जोधपुर के अंदर मैं लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ। क्या किया था प्रयास, अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, और वो चीज़ हर एक इंस्टीट्यूट को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम लॉ के बच्चों के लिए आगे आना चाहिए। उनको कॉल किया, उनको बताया कि सर ये चीज़ है जयपुर के अंदर, यहाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट है सर, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालें तो ये चीज़ हो सकती है। हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते, हम थोड़े फ्री नहीं रहते, बाद बात करते हैं वापस आपसे कॉल के बात करते हैं, कॉल कट कर दिया। दूसरे वाले को फ़ोन लगाया कि अच्छा नहीं हमें ये नौटंकियाँ नहीं आती, क्या जवाब था, हमें ये नौटंकियाँ नहीं आती। सुन रहे होंगे ना तो आपको याद आएगा किसका कॉल आया था उस समय, आप ही के वर्ड थे, अभी तक सेव पड़ा है, अभी तक कॉल रिकॉर्डिंग जो अपने आप में क्या रखा है, सेव कर रखा है ताकि उस चीज़ों को सुन सके, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है उसे कॉल रिकॉर्डिंग को पब्लिकली सुनाने का। हमें आपकी तरह नोटिंग, अरे अगर इसको नोटिंग क्या बोलते हैं ना तो मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए। जोधपुर के अंदर जब प्रोग्राम हुआ था उस समय एक ही जगह पे सेंटर था, वहाँ पे छोटा सा एफर्ट, मेरा एफर्ट कोई बड़ा नहीं था, वहाँ पे छोटा सा एफर्ट गया था, और उस एफर्ट के जरिए मतलब क्या था, दोपहर को स्टूडेंट को ठहर सके, बैठ सके, थोड़ा बहुत खा पी सके, नाश्ता कर सके और एनर्जाइज रह सके। अभी जो स्टूडेंट फेल हुए ना, कहीं कहीं आपने अंतरात्मा से पूछ के देखना, वो उसका भी तो विक्टिम थे ना,
जहाँ पे बैड अरेंजमेंट का पूरा अरेंजमेंट का भी तो विक्टिम थे ना। अगर सही व्यवस्था होती तो शायद वो और भी अच्छे तरीके से अपने सेकंड वाले पेपर को जो हिंदी लैंग्वेज का इंग्लिश है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ऐसे के पेपर में मात खाएं। आपको क्या लगता है ऐसे के पेपर के अंदर उनको कुछ आता बिल्कुल भी नहीं था क्या? उस समय उनकी हालत टाइट हो जाती है, कंटिन्यू बैक टू बैक एग्जाम चलते, एक एक दिन में 5-5 घंटे लिखना पड़ता है उसको। उस समय ऐसे टाइम के अंदर पता है एक कोई पानी का कैंपर भी ठंडा आके ला के दोपहर के टाइम में रख ले और पास हल्की सी छाया कर देना, तो वो कैंडिडेट्स वाकई में अपनी एनर्जी को वापस रीगेन कर देता है। कोई नहीं आया, जितने बड़े बड़े अभी अखबार में मेरा बच्चा कर रहा है ना, नहीं आए उस टाइम आगे। हाथ जोड़ रहा हूँ, आपका हक है, आप करिए प्रमोशनल एक्टिविटी, बिल्कुल करिए, ज़रूर करना भी चाहिए। आप लोगों ने मेहनत की है इसमें, आप गुरु हैं, गुरु की जगह कोई दुनिया में नहीं ले सकता। लेकिन उस मुसीबत के टाइम में ना, उस विकट परिस्थिति के टाइम में अपने इस उन बच्चों का साथ मत छोड़िए, है ना, साथ मत छोड़िए। आप कह के उनसे बोलो कि भाई हम तुम्हारे उस टाइम अरेंजमेंट कराएंगे, 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी। मैं कह रहा हूँ आपको, बच्चा हंसता हंसता दे देगा, क्योंकि जब वो लाखों रुपए फी पे कर सकता है, हजारों पे कर सकता है, तो 400-500 रुपये इसलिए ताकि मेंस में उसको सुविधा मिल सके, वो मना नहीं करेगा। लेकिन करो तो सही, हम दुनिया को जस्टिस दिलाने फिरते हैं, हम बाकी के लोगों कहते हैं कोर्ट में तुम्हारा कोई मैटर होगा तो मेरी नज़र में अच्छा वकील है वो वकील है, बट उस टाइम के अंदर एक लेटर प्रशासन को नहीं लिखते कि ये अरेंजमेंट होने चाहिए। काश एडवोकेट एसोसिएशन की तरह स्टूडेंट्स की भी एसोसिएशन होती इस फील्ड में, जुडिशरी की तैयारी करने वाले फील्ड में, ताकि इनके भी पेन को भी कोई इसको समझता। और अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि आपको क्या पता उनकी पीड़ा क्या थी, मैं बता रहा हूँ कि यही बंदा जो है ना पावटा के अंदर इस पीड़ा को सहन कर चुका है। जब आप में से कुछ शायद कुछ लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, राजस्थान जुडिशरी के अंदर मेंस का एग्जाम होता है, कहीं पर भी मध्य प्रदेश वगैरह कई एरिया के अंदर जो एग्जाम होता है, 2-2 दिन 3 दिन एग्जाम चलते हैं, बैक टू बैक एग्जाम होता है। मॉर्निंग के अंदर 9 से 12 का एक पेपर हुआ और वापस 3-5 का दूसरा पेपर होता है, ठीक बैक टू बैक। उस टाइम, उस बीच वाले टाइम पीरियड के अंदर कहीं भी जाना जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जितना टाइम आने जाने में लगेगा उतना के उतने टाइम के अंदर तो वापस आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और हर कोई इतना रईस ज़्यादा है नहीं कि कॉलेज सेंटर के पास में कोई बड़ी 5-3 स्टार होटल में रह ले, ऐसा हर कोई पैसे वाला भी होता नहीं। दो ही जगह पर एग्जाम होते हैं, जोधपुर और जयपुर, तो पूरे राजस्थान के कैंडिडेट, दिल्ली, कहीं से आउट ऑफ स्टेट से आने वाले कैंडिडेट्स भी क्या है वहीं पर रुकते हैं। और गर्ल्स कैंडिडेट उनके साथ, वो अकेले नहीं है तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं, कई बार उनके हस्बैंड भी आते हैं, भाई आता है, कोई भी आता है साथ साथ में, तो वो एक परीक्षा वो उसकी बहन उसकी बेटी वहाँ अंदर दे रही होती है और एक परीक्षा वो खुद दे रहा होता है। क्यों दे रहा होता है? क्योंकि वो बेटी का बाप है, क्योंकि वो बहन का भाई है, क्योंकि वो एक वाइफ का हस्बैंड है, इसलिए वो भी एक एग्जाम दे रहा होता है। तो क्या हम लोग वाकई में इतने निर्धन है क्या कि इतना भी नहीं कर सकते? उस टाइम के अंदर वो शब्द बड़े खतरनाक चुभे थे, पर जवाब देने का समय नहीं था। आज जवाब है, आज जवाब भी है, ठीक है। और इसलिए नहीं है कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ, आज तनसुख पालीवाल लॉ स्टूडेंट के हिसाब से बात कर रहा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी इस बात को सुन रहे हैं जो लॉ से जुड़े हुए हैं, अगेन बड़े वाले हाथ जोड़ता हूँ, अगर हो सके तो एग्जाम के टाइम में स्टूडेंट के साथ में खड़े रहा करो। जितनी ज़रूरत आपकी शिक्षा की जरूरत होती है, उतनी की उतनी ज़रूरत दूसरी चीज़ों की भी होती है। बाकी कोई देख लो आप, वाकई में कुछ लोग मिसाल का काम भी करते हैं। हमारे जोधपुर के अंदर उत्कर्ष निर्मल गहलोत सर को देखिए आप, कई बार जब रिट्वीट का एग्जाम होता है अपनी तरफ से हजारों लाखों स्टूडेंट के लिए पूरा फूड पैकेट वैकेट तैयार कराते हैं। यार ऐसे बंदे की जरूरत लॉ फील्ड में कब आएगी, कब मिलेंगे हमको इस फील्ड के अंदर ऐसे निर्मल गहलोत? उनका फील्ड अलग है, उनका फील्ड चलो दूसरा है, वो वहां पर नहीं करते, लॉ के फील्ड में नहीं करते, तो हमारे लॉ के फील्ड में हम लोग क्या नहीं कर सकते क्या? ऐसा कुछ करना चाहिए। मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी है और मैं तो आज आया इसीलिए था कि मेरी बात आपको बुरी लगे, चुभेगी ना, तभी तो नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा प्रयास करेंगे। प्लीज, इन जुडिशरी वालों का, इन लॉ स्टूडेंट का कोई नहीं है, धड़ी धोरी नहीं है जब ये तैयारी करते हैं तब, तो क्या हम कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते? ईश्वर ने साथ दिया तो इस बार तो सिर्फ जोधपुर के अंदर ऐसे अरेंजमेंट करवाए थे, अगली बार जहां जहां पर अपनी कैपेसिटी होगी, अपना औकात जितना होगा ना, वहां पर भी अरेंजमेंट करवाएंगे। ये लिंकिंग लॉस का प्रॉमिस है और मुझे पूरा यकीन है कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस मुहिम को आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू।